मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर एवं जिलाधिकारी के विजयन पांडियन, अपर निदेशक स्वास्थ्य जनार्दन त्रिपाठी, चिकित्साधिकारी डॉक्टर श्रीकांत तिवारी, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राजेश कुमार सिंह ने रविवार को बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 3 माह के कोरोना पॉजिटिव बच्चे को ठीक होने पर खुशी जाहिर करते हुए बच्चे को बीआरडी मेडिकल कॉलेज से डिस्चार्ज कर उसके घर जनपद बस्ती के लिए परिजनों के साथ भेजा गया। इस अवसर पर मंडलायुक्त ने कहा कि ये बीआरडी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, प्राचार्य एवं अन्य कर्मचारियों के टीम वर्क का परिणाम है जो इतने कम समय में इस छोटे से बच्चे को स्वस्थ कर घर भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज के सभी लोगों को साधुवाद है। इनके अथक प्रयासों से ही इतने कम आयु का बच्चा बहुत जल्द स्वस्थ हो गया। इसके बाद बीआरडी मेडिकल कॉलेज में विभागाध्यक्ष डॉक्टरों के साथ बैठक करते हुए मंडलायुक्त ने कहा कि किसी को भी कोई समस्या हो तो तत्काल अवगत कराया जाए, अनर्गल बातों पर विश्वास ना करें। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद ओपीडी में भगदड़ ना होने पाए इसके लिए योजना बनाकर कार्य करना होगा तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऑनलाइन एवं टेलीमेडिसिन के द्वारा इलाज की सुविधा प्रदान की जा सकती है। मंडलायुक्त ने कहा कि डॉक्टरों पर हमला करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर जिलाधिकारी के विजयन पांडियन ने कहा कि गोरखपुर में कोई भी मरीज न आने पाए इसके लिए हम सब लोगों को मिलकर कार्य करना होगा। बैठक में प्राचार्य डॉक्टर गणेश कुमार ने बताया कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 200 बेडों का कोविड 19 अस्पताल बनाया गया है जिसमें 40 आईसीयू बेड हैं। इस अवसर पर विभिन्न अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा पहला पेशेंट है, पहला पेशेंट आई भी है, बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए आइए। क्या है मैडम सर, मैं बताना चाहता हूँ कि जब हम लोग सुन रहे थे कि कोरोना का कोविड-19 का उसका इलाज किया और वो आज डिस्चार्ज होकर के अपनी माँ के साथ बस्ती अभी हम लोग उसको विदा करके आए हैं। और देखिए, बहुत गर्व का विषय है और ये जो है सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूँगा बीआरडी मेडिकल कॉलेज की पूरी टीम को। और जब मैं टीम कहता हूँ तो टीम का मतलब स्वीपर, वार्ड बॉय से लेके प्राचार्य तक आते हैं। और इस पूरी टीम ने जो उस अथक परिश्रम से 3 माह के किट को इतनी जल्दी इसको हम लोगों ने पॉजिटिव से निगेटिव कर पाया है, ये बहुत ही गर्व की बात है गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज के लिए। और हम आशा करते हैं कि जो 3 माह का शिशु है वो स्वस्थ रहेगा। और ये बस्ती का बेसिकली परिवार है, बस्ती का शिशु है, और इसलिए जो एक चिंता थी मेडिकल कॉलेज में क्योंकि ये एक पॉजिटिव केस ऐसा पहली बार हमारे पास आया था, तो ये गर्व का विषय है और हमें और ज़्यादा सचेत रहने की आवश्यकता है। और हम प्रयास करेंगे कि पहली बात तो यहाँ पर कोई भी इस कोविड फैसिलिटी में कोई भी पॉजिटिव केस ना आए, ऐसा कोई केस ही ना निकले, और यदि निकलेगा तो हम उसको अच्छे से ट्रीट कर पाएंगे, यही आशा है, यही सब। देखिए, इसमें जिला प्रशासन, जिलाधिकारी और कप्तान साहब गोरखपुर के ये लोग लगे हुए हैं सब, जो आपकी संत कबीर नगर से जो भी सीमाएँ हैं उन पर काफ़ी निगरानी रखी जा रही है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि ये अंचल ऐसे हैं कि जिसमें आप पॉलिटिकल बाउंड्री जरूर डिस्ट्रिक्ट की हो सकती है लेकिन गांव में छोटे छोटे अंचल हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो बल दिया जा रहा है वो अवेयरनेस का है। गांव के प्रधानों को, उन लोग को कहा गया है, जो पंचायत कर्मी हैं उनको भी सजग रहने को कहा गया है। और हम आशा करते हैं कि मूवमेंट बिल्कुल नील रहेगा, लॉकडाउन का स्ट्रिक्टली पालन होगा
और मगहर जो एरिया है उसको ऑलरेडी उन लोगों ने लॉक किया हुआ है और एक प्रभावी कार्रवाई होगी और आशा करते हैं कि संक्रमण जो कोविड-19 का है उससे हम पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे, बचे रहेंगे।